अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशा सदीका। तो अब मैं कर रही हूँ बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई एक्ट ऑफ मॉडिफाइंग ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ ऑन मोटर पाथवेज। मॉडिफाइंग ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ ऑन मोटर पाथवेज के बेसल न्यूक्लियाई एक्चुअली हमारी मोटर कोऑर्डिनेशन मसल मतलब के स्केलेटन मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारी मसल टोन को। जैसे कि हमने पीछे भी इसकी बेसल न्यूक्लियाई के जो से फंक्शंस को रीड किया था वो यही सारे थे, और कोऑर्डिनेट करता है हमारे स्लो सस्टेन्ड मूवमेंट्स को, सप्रेस करता है यूजलेस पार्टनर्स ऑफ बिहेवियर्स को। तो हम मज़ीद जो से उसके प्राइमरी फंक्शन है उनको ही डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन इसका ये है कि ये रेगुलेट करता है। हम इसके स्ट्रक्चर जो से वो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेट हो रहा है। अब हम मज़ीद इसका वो फंक्शन पे आएँ तो रेगुलेट मसल टोन थ्रू आउट द बॉडी, सेलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग पर्पसफुल मोटर एक्टिविटीज़ वाइल सप्रेसिंग यूजलेस एंड अनवांटेड पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर। कि जो सी हमारे पर्पसफुल मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनको ये मेंटेन करता है और सेलेक्ट करता है, और जो सप्रेस करता है यूजलेस एंड अनवांटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स को। लाइक के अगर मेरे पास दो रस्ते हैं, ठीक है, कि एक है मैं स्ट्रेट मूव करके जा सकती हूँ, फिर भी मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा मूव्स कर करके जा रही हूँ, तो ये जो सा बेसल न्यूक्लियाई है वो मेरे एक्स्ट्रा पैटर्न्स ऑफ जो से मूवमेंट्स हैं। अगर मैंने चलना है तो मैं स्ट्रेट चल रही हूँ, जो से दूसरे हैं कि मैं हाथ हला हला के जाऊँ और अपनी बॉडी के दूसरे शेक करके, और ये वो जो एक्स्ट्रा मेरे मूवमेंट्स हैं उनको वो सप्रेस कर देगा, उनको वो अनवांटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को वो इनहिबिट कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, और जिनसे मेरे पर्पसफुल मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनको ही वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, हेल्पिंग मोनिटर एंड कोऑर्डिनेट स्लो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली दोज रिलेट टू द पोस्चर एंड स्पॉट। कि जो पोस्चर और स्पॉट्स रिलेटेड हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्लोली एंड सस्टेन कर रहा है उनकी कॉन्ट्रैक्शंस को, और कंट्रोल कर रहा है लार्ज ऑटोमेटिक मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा कलेक्शन ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई विच आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द फोरब्रेन एंड द टॉप ऑफ द मिडब्रेन। के मिडब्रेन के टॉप में एंड बेस ऑफ द फोरब्रेन, ये देखें, ये मैं मिडब्रेन के टॉप पे है और एंड ऑफ द फोरब्रेन पे। ठीक है, उसके बाद हम लैम्बिक सिस्टम पे आते हैं। लैम्बिक सिस्टम के भी थ्री स्ट्रक्चर्स पे हम पढ़ेंगे, और लैम्बिक सिस्टम जो है ये अब लैम्बिक सिस्टम के ये थ्री पार्ट्स को उसने जो है वो हाईलाइट किया। ये जो है ये सिंगुलेट गैरस है, सिंगुलेट, ठीक है, सिंगुलेट गैरस है। सिंगुलेट गैरस के बाद जो है हाइपोकैम्पस और अमिग्डाला है, अमिग्डाला। अब सिग्रस, हाइपोकैम्पस और अमिग्डाला। अब सिंगुलेट गैरस को हम डिस्कस करते हैं। सिंगुलेट जो है ये एक स्ट्रिप होती है लैम्बिक कॉर्टेक्स की लाइंग अलोंग द लेटरल वॉल्स ऑफ द ग्रूव सेपरेटिंग द सेपरल हेमिस्फीयर्स। के जो ग्रूव्स जो से सेपरल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट कर रही हैं वहाँ पे उस वॉल के लेटरली एक, ये लेटरली एक लाइन है सैक्रस गैरस, उनकी लेटरली एक वॉल उस उन लेटरल वॉल्स के साथ एक लाइन जा रही है, एक स्ट्रिप जा रही है जिसको हम लैम्बिक कॉर्टेक्स के साथ, ठीक है, तो वो जहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में सेपरेट हो रही हैं कॉर्पस कोलोसम के ऊपर जहाँ पे दो हेमिस्फीयर्स की वॉल सेपरेटिंग वॉल्स हैं उनके बिल्कुल साथ एक स्ट्रिप सी जा रही है लैम्बिक कॉर्टेक्स की, ठीक है, तो इनको सिंगुलेट गैरस कह रहे हैं हम लोग, जो कि इनके रोल्स पढ़ते हैं। इनके रोल्स हैं कोऑर्डिनेट सेंसरी इनपुट विद इमोशंस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू पेन, बेसिक इनबोर्न बिहेवियरल पैटर्नर्स रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड परसेप्शन ऑफ द स्पीशीज, रेगुलेट अग्रेसिव बिहेवियर्स। मतलब कि इनके इसका कंट्रोल क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो रोल इन
इमोशन ही उन लोगों ने कहा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो सेंसरी इनपुट विद इमोशन के, हमारे जो भी सेंसरी ये सेंसरी इनपुट है, जैसे कि एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन हमारे लिए प्लेयरेबल है, सैड है, एंशियस है, उस सिचुएशन उस सराउंडिंग वो इन्वायरमेंट या वो पर्सन जिससे हम मिल रहे हैं वो हमारे लिए कैसे इमोशन कैरी कर रहे हैं, कैसी वाइब्स हमें उस पर्सन से आ रही है, ये सारी सेंस इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करती है हमारी इमोशंस के साथ। ठीक है, हमें अगर पेन फील हो रहा है उसके लिए इमोशन रिस्पॉन्सेज जैसे कि पेन है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बेसिक इनबोर्न बिहेवियरल पैटर्न्स जो से होते हैं सर्वाइवल, मतलब कि सर्वाइवल पैटर्न्स क्या होंगे, नेक होल्डिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, सिटिंग क्रॉलिंग हो सकती है, और फिर उस बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग, उसके बाद मतलब उसकी डेवलपमेंटल एज के हिसाब से उसकी जो भी सर्वाइवल स्किल्स उसको आने चाहिए उन सारे सर्वाइवल स्किल्स के जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं उनके रिलेटेड है, और परसेप्चुअल परसेप्चुएशन ऑफ द स्पीशीज़ के मतलब हम जनरलाइज करते हैं, और फिर वो जीन पैजे की सारी जो भी सेंसरी मोटर स्टेजेस और वो सारी जो सी स्टेजेस उसने डिवेलपमेंटल स्टेजेस दी थी वो सारी इसमें आ जाती हैं, और रेगुलेट अग्रेसिव बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है। उसके बाद हम हाइपोकैम्पस को देखते हैं। हाइपोकैम्पस जो है वो यहाँ पे वो यहाँ पे पाया जा रहा है, ये पिंक सी जगह जो से वो हाइपोकैम्पस को हाईलाइट कर रही है, और हाइपोकैम्पस जो है वो लर्निंग एंड मेमोरी को ही रेगुलेट करता है, इन्वॉल्व होता है। अब हाइपोकैम्पस जो से वो पाया कहाँ जाता है, फोरब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पोरल लॉब के, टेम्पोरल लॉब जो सी है उसके कॉन्स्टिट्यूट अब इम्पोर्टेंट पार्ट है लैम्बिक सिस्टम का, इंक्लूड द हाइपोकैम्पस कि लिम्बिक सिस्टम के ऊपर ही पाया जाता है, मतलब टेम्पोरल लॉब फोरब्रेन स्ट्रक्चर है ऑफ द टेम्पोरल लॉब के, फोरब्रेन स्ट्रक्चर है टेम्पोरल लॉब के इर्द गिर्द ही पाया जाता है, और ये लिम्बिक सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सेंड करता है मेमरीज आउट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज के, ये हमारी जो सी मेमरीज है उनको शॉर्ट टर्म मेमरीज को हमारे लॉन्ग टर्म मेमरीज में सेंड करता है ताकि वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो सकें, फिर एंड रिट्राइव देम व्हेन नेसेसरी, और जब हमें कुछ रिकॉल करना हो तो उनको रिट्राइव करने में हाइपोकैम्पस जो से वो हमारी हेल्प करता है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अमिगडाला, अमिगडाला जो सा इन्वॉल्व इन इमोशनल रिस्पॉन्सेज हार्मोनल सेक्रेशंस एंड मेमोरी, सिंपल सी है। अमिगडाला कहाँ पे है, अमिगडाला ये जो सा पर्पल डार्क पर्पल सा एरिया वो अमिगडाला है। आर स्ट्रक्चर इज़ द इंटीरियर फॉर द रोस्ट्रल टेम्पोरल लॉब के, रोस्ट्रल टेम्पोरल लॉब के अंदर पाया जाता है, कंटेनिंग अ सेट ऑफ न्यूक्लियाई पार्ट ऑफ द लैम्बिक सिस्टम, लैम्बिक सिस्टम का पार्ट है जहाँ पे सेट ऑफ न्यूक्लियाई है जो कि हेल्पफुल है फॉर द इमोशन रिस्पॉन्सेज फॉर द हार्मोनल सेक्रेशंस एंड मेमोरी। अब इमोशंस रिस्पॉन्सेज में पेन रिस्पॉन्सेज के लिए और हमारी सेंसरी इनपुट को कोऑर्डिनेट करता है हमारे इमोशंस के साथ और हमारे अग्रेसिव बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है वो है सिंगुलेट गैरस। उसके बाद अमिगडाला जो है वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज में भी इन्वॉल्व है, हार्मोनल सेक्रेशंस में भी इन्वॉल्व है, मेमोरीज में भी इन्वॉल्व है। हाइपोकैम्पस जो है वो हमारी मेमोरीज को लॉन्ग टर्म स्टोर करता है, रिट्राइव करने में हेल्पफुल है, मोटिवेशन एंड लर्निंग में हेल्पफुल है। ये हमारा लिम्बिक सिस्टम भी हो गया और हमने पहले बेसल न्यूक्लियाई भी कर लिया। अब हम आते हैं डायसेफेलॉन, डायसेफेलॉन जो है वो फोरब्रेन की ही सब डिवीजन जो सी वो हमने दो पढ़ी थी, एक टेलीसेफेलॉन, टेलीसेफेलॉन में थे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल न्यूक्लियाई, लिम्बिक सिस्टम, ये तीन हम कवर कर चुके हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम पहले कवर कर चुके हैं, पूरा एक उस पर एक पूरा एक लेक्चर है, उसके बाद हमने लैम्बिक सिस्टम और बेसल न्यूक्लियाई इस वाले पे कवर किया, तो अब हम कर रहे हैं डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन में दो है, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। अब पहले हम डायसेफेलॉन में थैलामस देख रहे हैं, फाइनल रिले पॉइंट ऑफ असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन कॉन्टेन टू लॉब्स कनेक्टेड विद अ ब्रिज ऑफ ग्रे मैटर मैसा इंटरमीडिया, कि ये दो लॉब्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट हो रही हैं मैसा इंटरमीडिया के हेल्प से। उसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें इसको तो हमारे पास ये जोन्स है, ये सेवन न्यूक्लियाई इन थैलामस के, थैलामस में काफ़ी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब ये जोन्स है ये वेंट्रल ग्रुप है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है थैलामस का ये एक स्ट्रक्चर है और उसको उन्होंने सारा जो है वो एक्सप्लेन किया है ब्रेन के सिर्फ इस स्ट्रक्चर को। ये यहाँ पे लैम्बिक सिस्टम है, लैम्बिक सिस्टम के इधर जो है लैम्बिक सिस्टम का सेंट गैरस है
और यहाँ पे जो है उसके एसोसिएटेड एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है, और यहाँ पे ऑडिटरी इनपुट है, यहाँ पे विजुअल इनपुट, जनरल मतलब सेरेब्रम बेसल न्यूक्लियर। यहाँ पे लिटरली उन्हें ये बता दिया कि थैलेमस जो है वो इतनी कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में इतनी ज़्यादा लोगों के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है अपनी। उसके बाद एसेफलॉन में हम देखते हैं थैलेमस की सब डिविजन्स को, लेके अपने अभी यहाँ से पढ़ी भी हैं तो यहाँ पे अब उनको ही हम मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है लेटरल जीनोकुलेट न्यूक्लियस। लेटरल जीनोकुलेट न्यूक्लियस जो से हैं वो हैं, अब यहाँ पे थैलेमस की लोकेशन को भी मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ कि डायसेफलॉन जो है वो थर्ड वेंट्रिकल में पाया जाता है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो डायसेफलॉन है, जिसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस आता है। थैलेमस जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन है डायसेफलॉन का, जो कि हाइपोथैलेमस के ऊपर पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस होते हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक रीजन्स में सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, और रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करती हैं और वहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक कॉर्टेक्स पे पहुँचाने का भी इनका काम है। इसलिए इनको फाइनल रिले पॉइंट कहा गया एक्सेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन के। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सर्वल कॉर्टेक्स पाए जाते हैं, जैसे ऑडिटरी इनपुट, यहाँ पे सारी बातें हुई है, ऑडिटरी, विजुअल इनपुट, जनरल सेंसरी इनपुट, यहाँ पे सारी इनपुट्स हैं। तो ये सारा ये क्या करता है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे पाया जाता है और इसके नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो ये सारी जो उनसे सेंसरी इनपुट है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक रीजन में पहुँच जाता है। लाइक अगर मैंने कुछ सुना है वो हीयरिंग इनपुट है, तो वो हीयरिंग इनपुट को ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुँचा रहा है। मैंने कुछ टेस्ट किया तो वो उसको ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स पे पहुंचा रहा है। मैंने कुछ देखा है तो वो उसको हेल्प कर रहा है विजुअल कॉर्टेक्स में जाने पे, ठीक है। और वहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन लेके उसने अगर कहीं और भी उसने पहुंचानी है तो वो उनको उधर भी पहुंचाएगा, क्योंकि वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है और स्पेसिफिक सेरेब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक पार्ट पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी डिलीवर करने का इसका काम है। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें ये थैलेमस की फंक्शनिंग को, तो इसकी आगे हमें देखने को मिलते हैं विजुअल फंक्शंस जो से हैं उसको लेटरल जीनोकुलेट न्यूक्लियस उसको कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज विद इन द लेटरल जीनोकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस दैट रिसीव्स फाइबर फ्रॉम द रेटिना एंड प्रोजेक्ट फाइबर टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताई कि अगर सुनने के काम है तो वो जनरल लेटरल जीनोकुलेट न्यूक्लियस जो है वो हमारे विजुअल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लाइक अगर को हमने कुछ देखा है तो उस इंफॉर्मेशन को उसने विजुअल कॉर्टेक्स में डिलीवर करना है, ये काम है थैलेमस का। और उस स्पेसिफिक रीजन को कहेंगे लेटरल जीनोकुलेट न्यूक्लियस, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो सी हैं ये जो सी थैलेमस की वो हमारे रेटिना जो सी हमारी आई रेटिनाज हैं उनसे मैसेज लेंगी, उनसे फाइबर्स को रिसीव करेंगी और विजुअल कॉर्टेक्स में जाके उनको डिलीवर करेंगी। उसके बाद मिडिल जीनोकुलेट न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है मतलब कि सेल बॉडीज या न्यूक्लियस। अब मिडिल जीनोकुलेट न्यूक्लियस जो है ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हैं विद इन द मिडिल जीनोकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस। अब ये मीडियम जीनोकुलेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये विजुअल इनपुट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आउटरी इनपुट आ रही है, ये मीडियल, ये देखो ये इंटीरियर ग्रुप, ये लेटरल ग्रुप और ये मीडियल ग्रुप। मीडियल ग्रुप में जो सा हमारे पास है मीडियल जीनोकुलेट न्यूक्लियस, लेटरल में हमारे पास था लेटरल जीनोकुलेट न्यूक्लियस। अब मीडियल जीनोकुलेट न्यूक्लियस जो सा है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन जो सी है हियरिंग इंफॉर्मेशन, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो सी है वहाँ से वो रिसीव कर रहा है ऑडिटरी सिस्टम के फाइबर्स को और जाके प्रोजेक्ट कर रहा है उनको ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो कि टेम्पोरल लॉब में पाया जा रहा है, पर टेम्पोरल लॉब जो से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लॉब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उधर जाके उसको डिलीवर कर रहा है। उसके बाद है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ये वेंट्रो ग्रुप, वेंट्रोलेटरल ग्रुप जो है वहाँ पे न्यूक्लियस। अब वहाँ पे अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज वही या फिर आर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस दैट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेरेब्रम सेंड्स एक्सॉन्स टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, कि ये सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे वो दे रहा है इंफॉर्मेशन मोटर कॉर्टेक्स तक, मोटर कॉर्टेक्स तक वो इंफॉर्मेशन दे रहा है।
उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल न्यूक्लियाई डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात के बेसल न्यूक्लियाई जोन सी हमने वो वहाँ पे डिस्कस किया कि वो मोटर स्पेसिफाइड जोन सी है, डोमेन है जो कि जोन से अन जो के अननेसेसरी या अनवांटेड पैटर्न्स जो उनसे मूवमेंट के होते हैं उनको सप्रेस करती है, पर्पसफुल को जो उनसे मेंटेन करती है और ये सारा कुछ। तो अगर उसने मोटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो जाहिर सी बात है वो बेसल न्यूक्लियाई में आएगा जो कि डोमेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। तो यही जो उनसे है ये थैलामस का काम है। अब हम डायसेफलोन के सेकेंड जो उनसे हाइपोथैलामस उसको डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलामस में रिसीव्स इनडायरेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंसरी सिस्टम्स, के तमाम सेंसरी सिस्टम से वो इनडायरेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इनपुट्स को रिसीव करता है, सेंड न्यूरल आउटपुट्स टू वेरियस मोटर कंट्रोल न्यूक्लियाई। ये वो फिर मोटर जो से न्यूक्लियाइज हैं उनको वो आउटपुट सेंड करता है, फिर सेंड न्यूरल आउटपुट्स टू सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंड्स बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल आउटपुट्स टू पिट्यूटरी। कि यहाँ पे इसका क्या काम है, इसका काम जो सा है वो है कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो हार्मोनल आउटपुट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और सिंपथेटिक सिंपथेटिक जो से न्यूरल आउटपुट्स हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कि सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कि दूसरे पार्ट से आ रही है ऑटोमेटिक है, ठीक है, उनको ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो ये थैलेमस के नीचे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मज़ीद इसको देखने की कोशिश करें तो ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जोन्स है उसको कंट्रोल कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारे बिहेवियर्स को, और ये स्पीशी के सर्वाइवल के रिलेटेड है। ठीक है, सर्वाइवल रिलेटेड टू द स्पीशीज़ है। अब अगर हम मज़ीद इसके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडीज मास्टर ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रोफिन ये फॉर एग्जांपल मैंने दिखे है, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है तो वो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, बिहेवियर, रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन मतलब कि ये जो से स्पीशी सर्वाइवल के लिए, ये हाइपोथैलेमस जो से वो स्पीशी सर्वाइवल जो से फाइट एंड फ्लाइट एक्शंस हैं और उसके सर्वाइवल एक्शंस हैं रिस्पॉन्सेज हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो से वो ऑक्सीटोसिन जो से इसको हम जो से ये भी कहते हैं लव हार्मोन भी कहते हैं और वो इस मदर हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये इजेक्शन ऑफ मिल्क, यूट्राइन क्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ और इस तरह है, मतलब कि मदर से रिलेटेड ज़्यादातर इसके फंक्शंस हैं ऑक्सीटोसिन के। उसके बाद वैसोप्रेसिन भी है जो कि यूरिन आउटपुट बाय द किडनी को रेगुलेट करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस के मज़ीद अगर हम वही चीज़ है कि वही जो हम पहले भी पढ़े हैं सोमेटिक मोटर एक्टिविटीज़ एट द सब कॉन्शियस लेवल, जैसे कि अगर हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो हमने फ़ौरन से उस चीज़ को छोड़ना है और अपना हाथ पीछे करना है, वो है सब कॉन्शियस लेवल। ठीक है, सोमेटिक मूवमेंट के मैंने हाथ उठाया सोमेटिक मूवमेंट एक्टिविटी हो गई, सब कॉन्शियस लेवल के वो मेरे को अनकॉन्शियसली मैंने हाथ पीछे कर लिया फ़ौरन से। कंट्रोल ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन वो फंक्शन जो ऑटोनॉमिक हो, लाइक हमारी हार्ट बीट हो गई, ब्रीदिंग हो गई, इस तरह के फंक्शन जो ऑटोनॉमिक है वो सारे सिक्रीट्स हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है। कि नर्व सिस्टम क्या करता है, नर्व सिस्टम जो है वो इम्पल्सिस भेजता है, मैसेज भेजता है, अच्छा ये मसला हो गया, अच्छा तो उसके रिस्पॉन्स में जो सा हार्मोन एंडोक्राइन हार्मोन्स के जो से सेक्रीशंस हैं उसको ये जो से कोऑर्डिनेट करता है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रोड्यूस इमोशंस एंड बिहेवियरल ड्राइव्स, ये इमोशंस और बिहेवियरल ड्राइव्स जो से वो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हार्मोन्स एक्सक्रीट करता है तो इस वजह से फिर ये इन ड्राइव्स को भी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। कोऑर्डिनेट वॉलंटरी एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमने जैसे ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग की जब बात की उसमें बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग आ जाएगी, सर्कैडियन सर्कल्स ऑफ द एक्टिविटीज़ आ जाएगी, फीडिंग, फाइटिंग, फ्लीइंग और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स भी आ जाएंगे।
उसके बाद हम देखें मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ जाता है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी हम जो से हमने फोर ब्रेन कंप्लीट कर लिया है, फोर ब्रेन के हमने देखी कि उसमें लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल आ रहा था। फिर हमने मज़ीद उसकी सब डिविजन्स देखी, तो उसमें दो थे टेलीसेफ्लॉन और डाइसेफ्लॉन। टेलीसेफ्लॉन की सेरेब्रल कॉर्टेक्स थी, बेसल न्यूक्लाय थे और लैम्बिक सिस्टम था, जो कि हमने कवर किया पिछली वीडियो में और कुछ इस वीडियो में भी शायद। और उसके बाद फिर हमने देखा डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन के आगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस थे, जिनकी दो फंक्शंस को हमने अभी देखा है। और अब हम आगे पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड